हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? टुडे इज़ 1st of September एंड ऑल इंडिया लॉन्च होने वाला है द ऑल न्यू क्लासिक 350, जिसमें 7 नए कलर्स आए हैं। मैं शोरूम पे पहुंच गया हूं एट द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप। अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं लॉन्च इवेंट में कौन से कलर्स आए हैं। तो चलो लेट्स गो। सो टुडे इज़ द सेकेंड डे एंड आई हैव ऑल द 7 कलर्स बिहाइंड मी, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप वेरियंट एमरल्ड, स्टेल्थ, गन ग्रे, मेडालियन ब्राउन, कमांडो सैंड, जोधपुर ब्लू एंड मद्रास रेड। सो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि पुराने क्लासिक में और नए क्लासिक में क्या क्या चेंजेस आए हैं एंड व्हाट्स द प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है। दिस इज़ माई क्लासिक 350 क्रोम ब्रोंज, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गई है, बट इसके बीच और अभी की टॉप वेरिएंट के बीच में हम कंपेयर करेंगे। अब 2024 में जो नए 7 कलर आए हैं उसमें क्रोम में सिर्फ एक वेरिएंट है, विच इज़ दिस वन द एमरल्ड। इन दोनों में क्या क्या चेंजेस है, सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें एलईडी हेडलाइट्स है, इसमें हैलोजन सेटअप आता था, प्लस इसमें जो इंडिकेटर्स है ये भी एलईडी में है, ये देखो। और इसका जो पायलट लाइट है, टाइगर लैम्प बोलो या पायलट लाइट्स बोलो, ये भी एलईडी में है। एंड ऑन द सेम साइड इफ़ आई क्रैंक माइन अप तो ये हैलोजन में है, प्लस इसके जो इंडिकेटर्स है ये भी हैलोजन है, बोथ फ्रंट एंड रियर। सेकंड चेंज आप देखोगे जो क्रोम में है, यू डोंट गेट दिस टैंक पैड, जिससे कि क्रोम और विजिबल है। चाहे तो आप इसमें भी निकाल सकते हो, बट समवेयर डाउन द लाइन आपके जीन्स से या फिर राइडिंग पैंट से हल्का हल्का स्क्रैच आ सकता है। इन माई ओपिनियन दिस टैंक पैड इज़ गुड। सेकेंड चेंज जो है, विच इज़ इन द बैटरी कंपार्टमेंट, इन द क्रोम वर्जन यू ऑल्सो गेट द बैटरी कंपार्टमेंट इन क्रोम। पुराने वर्जन में ये बॉडी कलर आता था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द क्रोम ब्रोंज, दिस कंपार्टमेंट ये बॉडी कलर में आता है, जो कि पहले ब्लैक में आता था। उसके बाद पुराने क्लासिक के कंपेरिजन में नए में अब एडजस्टेबल क्लच एंड एडजस्टेबल ब्रेक लिवर्स मिलते हैं, ट्रिपल नेविगेशन एज अ स्टॉक मिलता है एंड गियर इंडिकेटर भी ऐड कर दिया गया है इन द डिजिटल कंसोल। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस है, प्लस अदर देन दैट इट्स ऑल द सेम। Are you?
क्रोम के बाद कम्स द स्टेल्थ, बट इससे पहले मैं ये बता दूँ कि द क्रोम इज़ 2.30 lakhs एक्स शोरूम एंड द स्टेल्थ इज़ 2.24 lakhs। स्टेल्थ वाले एडिशन में ना दो कलर्स है, वन इज़ दिस कम्प्लीट ऑल ब्लैक एंड द अदर इज़ गन ग्रे, और सिर्फ इन दोनों वर्जन में अलॉय व्हील आता है। सो इफ़ यू वॉन्ट दैट ट्यूबलेस सेटअप यू हैव टू गो फॉर दिस टू कलर वेरियंट्स, एंड इसमें भी ऑल अराउंड LED सेटअप है। एंड ये जो कलर्स है दीज आर मैट विथ ब्लैकड आउट इंजिन एंड ब्लैकड आउट एग्जॉस्ट। एंड पर्सनली मुझसे पूछे तो पूरे लाइनअप में आई लाइक स्टेल्थ एंड द एमरल्ड। चलो लेट्स मूव ऑन टू द अदर टू वेरियंट्स। सो दिस मेडेलियन ब्राउन इज समवट सिमिलर टू द क्रोम ब्रोंज, तो मैं उसको भी साथ में ला के खड़ा कर देता हूँ, सो यू विल गेट अ बेटर लुक ऑफ द कलर्स। सो दिस इज द क्रोम ब्रोंज एंड इसमें अलॉय व्हील है, ये कंपनी फिटेड नहीं आता था, तो जब मैंने खरीदा था तब MIY का फीचर था, देन आई ऑप्टेड फॉर द अलॉय व्हील्स इंस्टेड ऑफ द स्पोक रिम्स। बट रिसेंटली जब रॉयल एनफील्ड ने ये 7 कलर निकाले तो उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि दे विल ब्रिंग बैक द कस्टमाइजेशन with I guess a lot of colors, around 100-200 colors, तो उसमें आप बहुत अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। यू कैन कस्टमाइज द सीट ऑफ द कलर, यू कैन कस्टमाइज द कलर ऑफ द सीट, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द एम्बलम, देन यू कैन कस्टमाइज सेपरेट, जैसे अगर आपको टैंक दूसरे कलर में चाहिए, फेंडर दूसरे कलर में चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, तो वो देखेंगे। दैट विल कम ऑन 5th of September एंड आई होप कि अलॉय व्हील का ऑप्शन भी दे दें। ओके सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज मेडेलियन ब्राउन, काफ़ी सिमिलर है क्रोम ब्राउन से, बट ये जो आप देखते हो दिस कम्स इन आइवरी, वाइट नहीं है, हल्का सा क्रीमिश है, इट इज़ इन द आइवरी कलर, वही इसमें आता था पूरा क्रोम, बट स्टिल इसमें ब्रोंज एलिमेंट्स काफ़ी सारे हैं, जैसे इसका पूरा फेंडर ही ब्रोंज है, इट वॉज ऑल क्रोम, ये तो बस स्टिकर है। तो दिस वॉज मेडेलियन ब्राउन। कैमो टाइप का फील है इसमें, यू कैन सी द टैंक, बट द इंजन इज ब्लैकड आउट और इसमें स्पोक रिम्स आते हैं। अलॉय व्हील का ऑप्शन सिर्फ उन दो कलर्स में, इसमें LED हेडलाइट है बट हैलोजन इंडिकेटर्स है इसमें भी एंड इन मेडेलियन ब्राउन एज वेल। And the last two colors which are in the base variant is this one first, the Madras Red and Jodhpur Blue. This comes for 1.99 lakh X showroom. Meri bike mein jo hai, sab kuch aapko isme milta hai. It's just the new color setup. Also, gear indicator isme bhi as a stock milta hai. Ab in dono ke upar is variant ko compare kare, to isme it's just the blacked out engine, blacked out exhaust and jo spokes hai, spokes nahi, jo rim hai, दैट्स ऑल्सो इन ब्लैक, तो यही डिफरेंस था। ऑल्सो द पेंट दैट्स मैट, इसमें आता है मेटेलिक। अब इन दोनों वेरियंट्स के ऊपर इसको कंपेयर करें तो दिस इज़ अ डुअल टोन पेंट, आइवरी एंड ब्रोंज, बाकी क्रोम इंजिन है एंड स्पोक्स रिम है। अब ये जो 4 कलर्स है ना, दीज आर एग्जैक्टली द सेम एज द प्रीवियस जेन, जस्ट हेडलाइट का डिफरेंस है। बट अब इसके बाद जो 3 कलर्स है, द गन ग्रे, स्टेल्थ ब्लैक एंड एमरल्ड, इन तीनों में एक्चुअल चेंजेस है, एडजस्टेबल ब्रेक, एडजस्टेबल क्लच लीवर्स, LED इंडिकेटर्स, ट्रिपर नेविगेशन एंड स्पेसिफिकली इस कलर वेरिएंट में अलॉय व्हील इसमें और इसमें। एंड द ट्रिपर नेविगेशन दैट कम्स एज स्टॉक, पहले किसी भी क्लासिक में ट्रिपर नेविगेशन नहीं मिलता था, बट अभी स्टार्टिंग फ्रॉम द डार्क कलर्स आपको ट्रिपर नेविगेशन मिलता है। और अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें ना,
तो दिस वन द स्टेल्थ कलर एंड द गन ग्रे, और इन दोनों में पर्सनली मुझे ये ज़्यादा पसंद है द ऑल ब्लैक। यही कलर सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है बिकॉज इसमें टॉप वेरिएंट के सारे फीचर्स हैं, जैसा मैंने बताया ट्रिपल नेविगेशन, एलईडी इंडिकेटर्स, एलईडी हेडलाइट, बैकलाइट, ये एलईडी सेटअप एंड ऑल्सो द अलॉय व्हील। तो ये सब तो होगी कॉस्मेटिक चेंजेस, उसके अलावा मैकेनिकल चेंज ऐसा सच कुछ भी नहीं है। तो इसको आप अगर मैकेनिकल में काउंट करना चाहो तो यू कैन डू दैट, प्लस अगर गियर इंडिकेटर को तो यू कैन डू दैट, बट अदर देन दैट इंजन में, एग्जॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, दीज टू आर एग्जैक्टली द सेम। सो दिस इज द ऑल न्यू क्लासिक 350 इन मेडालियन ब्राउन। स्पेसिफिकेशंस तो सारे सेम ही है, मैकेनिकली दीज बाइक्स आर एग्जैक्टली द सेम, कोई चेंज नहीं है। इट्स जस्ट कि आप ये देखो गियर इंडिकेटर है, लेट मी जस्ट क्रैंक इट अप। फर्स्ट गियर जीरो मतलब न्यूट्रल, एंड देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एग्जैक्टली सेम सिटिंग पोजिशन, सस्पेंशन, ब्रेक्स, एग्जैक्टली द सेम। पूरी बाइक सेम ही है, इट्स जस्ट कि न्यू कलर्स, न्यू एलईडी लाइट्स, दीज चेंजेस। और अगर मैं ऐसे चला रहा हूँगा ना आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ थोड़ा थोड़ा मेरे में क्रोम दिखता है, बट अदर देन दैट दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम। जैसे ये देखो, दिस इज़ माई क्रोम ब्रोंज एंड दिस इज़ मेडालियन ब्राउन। अब ये पुराने क्लासिक की बात करें जो कि मेरी है क्रोम ब्रोंज, एग्जैक्टली द सेम परफॉर्मेंस, सस्पेंशन, इंजन सेटअप, एग्जैक्टली द सेम। अगर आपको इसके और नए क्लासिक के साउंड के बीच में डिफरेंस लग रहा होगा तो ये बता दूं कि दिस हैज़ रन अबाउट 20,000 किलोमीटर्स और वो स्टॉक है। इसमें 3 बार ऑयल चेंज हो चुका है, उसमें 1 भी बार नहीं हुआ। तो इसलिए जैसे जैसे वो इंजन रवा होते जाएगा, जैसे जैसे उसमें इंजन ऑयल चेंज होता जाएगा चलने पर, तब उसकी साउंड भी ऐसे हो जाएगी, हल्की सी और बेसी और हल्की सी और थम्पी, बाकी सब बिल्कुल सेम। तो ये सारे कलर्स आपको शोरूम में दिखेंगे, बट आई वांटेड कि इन रियल, इन नेचुरल वर्ल्ड आपको सारा कलर दिखे, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल पाए कि हाउ इज ईच एंड एवरी कलर और क्या क्या डिफरेंसेस है, वो भी मैंने बता दिया। तो ये रखते हैं इस वीडियो के लिए द ऑल न्यू क्लासिक एंड इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस जेन। तो ये सारे कलर्स गुवाहाटी में अवेलेबल है एट सरायघाट रॉयल एनफील्ड शोरूम। तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। चलो यही था इस वीडियो के लिए, कॉन्टेंट अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। पर आपको इनमें से कौन सा कलर अच्छा लगा ज़रूर बताना, ऑल दीज कलर्स एंड माय क्लासिक 350 क्रोम ब्रोंज। चलो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।